अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। मैं इस वक्त सुरजाई टाउन सेक्टर 7B में हूँ और मैं एक घर में आया हूँ। ये अम्मा का इंटरव्यू किया मैंने। अम्मा बताएं, आपके जो अभी हालात हैं, जो आपने मुझे अभी बताए हैं, आप मुझे बताइए, ठीक है? मेरा किराए का घर है। अच्छा, मेरे शोहर नहीं है, मेरा एक बच्चा कमाने वाला है और अभी जो है ना मेरा हालत बहुत तंग हुए हैं, जिसमें मेरी बच्ची बीमार है, जो भी पैसा आ रहा है ना मेरी बच्ची में लग रहा है, तो थोड़ा हालत जो है ना बहुत तंग हो गए, इसलिए मुझे राशन की बहुत सख्त जरूरत है। सही, राशन तो आपको दे दिया मैंने। हाँ, वो मैंने आपको 3,000 रुपये ड्रिप के भी दे दिए। ड्रिप के भी दिए। ये इन्होंने मुझे बताया कि इनकी बच्ची का जिगर का मसला है, ड्रिप हाँ। दो दिन और ड्रिप लगनी थी, तो इनके पास जो ड्रिप थी ये ख़राब हो गई है। अब ये आप किसके पास गई थी ड्रिप के पैसे लेने के लिए? अच्छा, बहन से इनको ड्रिप के पैसे नहीं मिले, तो बहरहाल वो पैसे हमने दे दिए इनको। ये दवाइयाँ वगैरह हैं इनकी और ये इनके टेस्ट वगैरह है, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे बैठ के जो ना वो करूं। और आप बता रही हैं कि आप कहाँ जाती हैं डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए? डॉक्टर ने अस्पताल का क्या नाम है? खुर्शीद अस्पताल में जाती हैं, खुर्शीद मेमोरियल में, बड़ा बोर्ड पे वहाँ पे डॉक्टर नवीद बैठते हैं, वो जिगर का इलाज करते हैं। आपको ये मसला कब हुआ था? शिवराज से पहले आपको मसला हुआ था? और अब तबीयत कैसी है? मतलब अभी थोड़ी थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन ये चीज़ है ना के लिए मैं भी हजम नहीं हो रहा है। उल्टियाँ थोड़ी भी उल्टियाँ होती हैं। हाँ, कुछ भी खा रही हूँ, उल्टी उल्टी। उम्र कितनी है आपकी? 24 साल। 24 साल। तो दवाइयाँ वगैरह भी पैसे हैं आपके पास? नहीं, मैं जाऊँगी ना, मैंने के घर में ना अपने बहनों से बोला है ना पैसों को। बहनों से बोला है आपने? हाँ। अच्छा, थोड़े थोड़े करके मैं लुटा दूँगी। कैसे लौटाएंगे? अभी आपका काम क्या है, आप घर का गुजारा कैसे कर रही हैं? थोड़ा घर तो दिखाऊं मैं आपका। हाँ, इनका घर है ये देखें, ये बैटरी है, ये एक बैटरी वाला पंखा है, यहाँ पे कोई सामान वामान नहीं है इनके घर में। देखें ये क्या है, ये मिट्टी को रखी हुई है? छत गिर गई थी, ये गिर गई थी, किसी के ऊपर तो नहीं गिरी? तो ये बाहर क्यों नहीं फेंका इसको? वो बस ऐसी बाहर को काम भी वो लगवाएंगी। अच्छा, काम करवाएंगी वो। बाजी आप जरा इधर आ जाएंगी? ये कौन है? ये हमारी बराबर बराबर से आई हैं। आप इधर आइए, इधर थोड़ा सा मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ। देखिए जी, ये इनका घर है, इनका किचन है, ठीक है। तो इनकी दवाई कितने की आ रही है? इनकी दवाई आई थी अभी फिलहाल से जो है ना 2300 रुपये की। अच्छा, डिडिट उनकी फीस है 350 रुपये। अच्छा, और डिडिट है 1600 रुपये की। 350 फीस है और दवाई कितने की? 700 रुपये की दवाई एक हफ्ते की आई थी मिला के। हाँ, और ड्रिप कितने की आई थी? 1600 रुपये की। अच्छा, और यहाँ से वहाँ तक जाने में आपका किराया कितना लगता है? हमारा लग जाता है 400-500 लग जाते हैं। कैसे जाती हैं आप? चिंची करेंगे यहाँ से, फिर वहाँ ग्रीन बस के स्टॉप। चिंची में आप ग्रीन बस के स्टॉप जाएंगी? हाँ, फिर एक के साथ लेके आती हूँ उसको संभालने के लिए, उसे चला नहीं जा रहा ना। अच्छा, आप भी जाती हैं, ये भी जाती हैं, और इनको संभालने के लिए कोई और भी मोहल्ले से कोई लड़की वगैरह जाती है? तीन लोग जाते हैं। अच्छा, तो फिर ग्रीन बस में आप कहाँ उतरती हैं? ये अपने गोलीबार चलेंगी है। सही है, वहाँ से फिर मुझे प्राइवेट रक्षा करना पड़ता है, वो अस्पताल जाने के। वहाँ से रक्षा कितने लेता है? वहाँ से रक्षा कितने लेता है? वहाँ से लेगा 350-350 तो पूरा वहाँ से यहाँ तक आने जाने में आपके नहीं 350 वहाँ तक लिए, तो 350-350 वापस जाने आने के सिर्फ रक्षे के तो 700 हो गए हैं। तो आपने हिसाब सही नहीं बताया, मतलब 5-6 तो किराया नहीं लग रहा, ज़्यादा लग रहा है। 55 तो ग्रीन बस वाला ले रहा है, 150 रुपये तो वही हो गए। चिंगची के भी यहाँ से 20-20 रुपये अगर लगाए तो 60 रुपये तो ये हो गए, 30-30 रुपये, 90-90 रुपये ये हो गए, 90-90-180 तो ये हो गए। तो मतलब 1000 से तो ऊपर किराया ही लग रहा है सिर्फ जाने आने का, है ना? अच्छा, बहरहाल मेरी इनसे देखें ये अम्मा जरा मुझे ये वीडियो पूरी कर लें दें, मेरी अभी इनसे तफसीली बात हुई है। अच्छा, अम्मा ने मुझे बोला कि भाई बेटा आप मुझे ना दुकान लगा दो, और तो मैंने कहा अम्मा आपके सामने वालों के पास दुकान है, फिर ये मुनासिब नहीं होगा। मैं अब दिखा देता हूँ उसे, देखिए ये दूसरा कमरा है इनका, ठीक है। और बिल्ली वो भी पाली हुई है, एक बिल्ली ये भी है, ये एक टोटल घर है इनका, ठीक है। अच्छा, इनके सामने वालों के पास दुकान है, देखें ये दुकान है।
ये कह रही थी मुझे दुकान लगा दो, मैं भी यहाँ बैठ जाऊँगी दुकान लेके। तो मैंने कहा नहीं आप दुकान ये दिखा दो, ठीक है। मैंने कहा आप दुकान लगाएंगी तो मुनासिब नहीं होगा फिर ना, आप उनकी आधी हो जाएगी बिक्री, आपकी भी आधी हो जाएगी। तो दुकान की जगह आप चिप्स लगा लें। तो चिप्स का इन्होंने बताया, चिप्स वाले भी बैठे हुए कोने पे, है ना, दो हैं दो, हाँ दो बैठे हुए चिप्स वाले। तो फिर मैंने पूछा आपको सिलाई का काम आता है, तो आपको सिलाई का काम भी नहीं आता, और सिलाई का काम नहीं कर सकती ना ये, नहीं कर सकती, नहीं सिलाई का काम सीख सकती हैं, सीख सकती हैं मगर सिखाऊंगी ना बच्ची को। अच्छा अच्छा, ये आप कह रही हैं कि आप खुद नहीं कर सकती हैं, आप बच्ची को करवाएंगी, जो भी करवाएंगी, करवाना जरूरी है, उन्हें देना जरूरी है। अच्छा, तो आपके सामने वाले ऊपर वाले सिलाई का काम करते हैं और ये आपके बराबर वाली भी करती हैं, सही है। लेकिन फिर मैंने पूछा कि भाई हर कोई सिलाई नहीं कर सकता, फिर मैंने उनसे पूछा, ठीक है। तो अब ये उनसे ही बात कर लेते हैं जो मेरी उनसे पहले बात हुई थी। अच्छा, हमारी जो बात हुई थी, मैंने आपसे ये कहा था ना कि वो काम करें जिसका शौक हो। तो आपको सिलाई का ज़्यादा शौक है या इसके अलावा कोई और काम ऐसा है जिसका आपको शौक है? तो काम का शौक है। आपने क्या बताया था मुझे? पार्लर का काम, ठीक है। तो ये ब्यूटी पार्लर का काम का शौक रखती हैं और पहले भी सीख चुकी हैं थोड़ा बहुत। कितने अरसे सीखा है? ज़्यादा नहीं, एक साल। नहीं मतलब वहाँ पे कोई फीस वीस देती थी क्या करती? दोस्त के साथ जा रही थी तो इतना तवज्जो नहीं था, फेशियल पे खड़ा कर दिया, मेकअप देख लिया, थोड़ा सा मेकअप आ गया था। मतलब वो लोग फीस नहीं लेते थे, थोड़ा बहुत काम करवाते थे, काम करवाते करवाते आपको कुछ थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन आपको प्रॉपर सीखने का शौक है। अच्छा अम्मा, आप बता रही थी ना कि वो कौन सा पार्लर है जहाँ पे आप इनको लेके जाएंगी सिखाने के लिए? तो वो सिखाएंगे सही से प्रॉपर? मैं बात करनी पड़ेगी ना बेटा को ले जाएगी, मुझे उसको ले जाएगी, इसकी तबीयत थोड़ी सही हो जाए ना। हाँ तबीयत सही हो जाए, उसके बाद फिर इनको पार्लर का काम सीखने का शौक भी है, शौक भी है, सही है। बाकी ये है कि फीस वीस, सिलाई कटिंग वगैरह सब सिखाती है, अगर चाहेगी तो वो सिखाएंगी भी। अच्छा वहाँ पे और भी चीज़ें हैं? हाँ और भी चीज़ें, सिलाई की भी बात करी थी वहाँ पे। हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? हजार रुपये बोली थी। कब की बात है ये? तबीयत खराब होने से पहले की बात। तो फिर आपने जाने का सोचा था, कोई कोशिश की थी हजार रुपये जमा करने की? जाने का बोला था लेकिन उनके पास पैसे नहीं हो पाए थे, एडवांस के एडवांस भी मांग रही थी। कितना एडवांस मांग रही थी? कितना एडवांस मांग रही थी? एडवांस 1000 रुपये एडवांस और 700 रुपये महीना मांग रही थी। 1000 एडवांस 700 महीना मांग रही थी। तो आपने कोशिश की कहीं से करने की? अरे फिर मैं घर में बैठ के क्या करूँ, मैं खुद अपना काम ढूंढने निकली थी। भाई देखें यही मसला है, ये रियलिटी है लाइफ की, 1000 रुपये एडवांस और 700 रुपये महीना भी देने के लिए इनके पास कोई सबील नहीं थी, तो ये खामोश होकर बैठ गई कि मैं कहाँ से करूँगी। तो दुआ की थी, दुआ हाँ दुआ की थी अल्लाह ताला से कि कहीं से हो जाए पैसे तो मैं सीख लूँ काम। क्या क्या दुआ करती हो? देखें दुआ करती रहा करो, ठीक है। अभी मैं, मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा है, ठीक है। हो सकता है कभी आपने कोई दुआ की हो जो अभी आपको याद नहीं हो, तो अल्लाह ताला ने भेज दिया, ठीक है। अभी मैं भी क्या कर पाऊँगा क्या नहीं कर पाऊँगा मुझे नहीं पता, लेकिन दुआ कबूल हो या ना हो उसका सवाब ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो अभी अब मैंने आपको यही बात समझाई है कि हम तो राशन दे के चले जाएंगे और राशन आपका हफ्ते दो हफ्ते चल जाएगा, आपने बहुत खींच खींच के भी चला दिया तो 3 हफ्ते चल जाएगा, लेकिन उसके बाद करना आपने खुद ही, हिम्मत खुद ही करनी है। और काम सोता रखें, अगर आप कोई ऐसा काम देखा देखी में कर लोगी ना कि सामने वाला भी ये कर, सामने वाली भी ये कर रही है मैं भी ये कर लूँ, तो दिल नहीं लगेगा। आपको वो काम करना है जिसमें आपको, जिसका आपको शौक हो। दुआ भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है, बस ये है कि आप जो पार्लर का आपको शौक है उसके अंदर ये बाल वाल, ये जो आईब्रोज बनाना, ये जायज़ नहीं है। तो काम में ये भी देखना है कि शौक तो है मेरा, लेकिन क्या ये हमारे दीन में जायज़ है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि हमारे नबी ने इसका मना किया है, तो ये ज़रूर देखना, ठीक है। वरना क्या होगा, दो पैसे मिल तो जाएंगे, हालात हो सकता है अच्छे हो जाएँ। पार्लर मैं देखा है लोगों, बड़े बड़े पार्लर खुले हुए, लेकिन फिर क्या होगा, गुना मिलेगा तो फ़ायदा क्या? वो गुना मिलने से तो अच्छा तो ये था कि ऐसे जैसे रूखी सूखी अभी चल रही है, इसमें कम से कम गुना तो नहीं हो रहा। चलो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन वीडियो के ज़रिए से हो सकता है कोई और भी सुन ले बात, ठीक है। अच्छा इनको हमने राशन भी दे दिया है और 3000 रुपये ड्रिप के भी दे दिए, मज़ीद इलाज के लिए देख लेंगे
अगर कुछ हो सका तो और भी कर देंगे इंशाल्लाह। आप लोग इनके लिए दुआ भी करें। बाकी इनका पार्लर वाला जो है ना वो इंशाल्लाह मुझे करना है, तो कोई अगर इनके पार्लर वाले काम के लिए जो उसमें कुछ सामान ख़रीदना पड़ता है और कुछ फ़ीस देनी पड़ती है, कोई अगर स्पॉन्सर करना चाहे तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह इन तक पहुँचा दूँगा। इनके जिगर का मसला है, अभी बीमार हैं, तो आप लोग जो वीडियो देखें तो दुआ भी कर दें, अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। और मैंने अपना सा समझाने की जो कोशिश की है तो ये भी दुआ कर दें कि इनको समझ में भी आ जाए और ये अपना काम शुरू कर दें और कोई हुनर सीख लें, अपने घर के हालात बेहतर कर लें, अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। बस माँ बेटी हैं, आप और भी कोई है? आप हैं और अम्मी है बस। हाँ भाई, भाई जो है वो आप बेटा जो है वो क्या करता है? किस में? होटल में जॉब करते हैं। होटल में जॉब करते हैं, अच्छा। तो वो अच्छा, ये बात तो मैं पूछना नहीं, ये बात मैं पूछना रह गया, उसकी कितनी तनख्वाह है, कैसे? 25,000 बोलते हैं। अच्छा, तो उसमें से किराए में कितने चले जाते हैं? 10,000। बाकी 15,000 में आपको करना है? 200 रुपये रोज का किराया देती हूँ, 200-250 रुपये। गुलशन में जाते हैं वो। 200 रुपये रोज का किराया आप देती हैं? तो मतलब ये कि किराए में ही कितने लग गए? 6,000 बाइक का खर्चा उसके, जाने आने का 6,000 रुपये खर्चा है। तो 25 में से 10 तो चले गए इनके किराए में, 6 वो चले गए, बाकी कितने बचे? 9 रह गए। अब 9,000 में खाना पीना भी कर रही हैं, बच्ची का इलाज भी कर रही हैं, नहीं बचेगा, कहाँ से बचेगा? इतनी महंगाई हो गई, देखो ना बेटा, मैं घर की कोई चीज़ नहीं ले पा रही, बच्चे के कपड़े तक नहीं बने इस साल। वो होटल में जो जॉब करता है, कितनी उम्र है उसकी? 20 साल के होने वाले हैं। 20 साल के होने वाले हैं, वो सही है माशाल्लाह। उसकी कोई ख़राब आदतें तो नहीं है? कोई नशा वशा है? कोई गुटखा वगैरह, पान गुटखा वगैरह? खा लेता है। मना करें उसको? उसको मना करें, वो भी होटल से सीखा। लेकिन माशाल्लाह सेहत में सही, अच्छा है। भाई कैसा है, बात सुनता है? सही है बस। देखें, घर से ज़्यादा कोई सरोकार नहीं है? खाना पीना, खाना पीना करता है, मस्त कभी कभी मस्तियाँ कर लेता है जब छुट्टी होती है तो मस्त। अच्छा, नहीं नहीं, खाना पीना तो उसका होटल में हो जाता होगा, है माँ? खाना तो उसका खा जाता है, लेकिन माँ के हाथ जरूर खाएगा। सुबह खा के जाता है? नहीं, सुबह खा के नहीं जाता नहीं। अरे साहब भाई, मुझे वीडियो पूरी करने दें जी। सुबह खा के नहीं जाता? नहीं। फिर कब खाता है घर में? खाएगा, भी खा के आता है, फिर घर में खाएगा, सुबह जाती है, समझ लो। अच्छा, पेट भरा रहता है, फिर वहीं जाके खाता है। रात को डबल खा लेता है? तो घर में भी जरूर खाता है। आपकी खिदमत करता है कुछ या नहीं? हाँ, या बस बाहर दोस्तों में रहता है? नहीं नहीं, करता है, पैर वैर दबाता है। पैर वैर दबाता है, चले अल्लाह ताला उसको सआदतमंद बनाए और इनको भी, इनके भी नसीब अच्छे करें। अभी क्या आप शादी वादी होनी थी, लेकिन ये तबीयत की वजह से रुक गई ना। चले, इसमें कोई खैर होगा, बीमारी अल्लाह की नेमत होती है, बीमारी इंसान को अल्लाह से करीब कर देती है, ठीक है। और जितनी तकलीफ इसको नहीं, ये जानती है, इसको अल्लाह जानता है। हाँ, बस क्या कह सकते हैं। चलिए जी, ठीक है जी।